हाँ जी बताओ। सर, जब से मैं आपसे क्लास लेने लगा हूँ ना, तो मैं बहुत पहले टेंशन में था, और आपकी क्लास लेते लेते मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो इतना पजल था मैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हिमालय पर्वत पे जाने तक की तैयारी हो चुकी थी मेरी तो। लेकिन सर, जब ही आपने सिखाया, प्रिडिक्शन किया, तो कोई, अब जैसे देखें, कोई मेरी मैडम की मौसी जी आई हुई थी, उनके लड़के की, वो किसी पंडित जी के पास जाने के लिए आई थी कि बेटा मेरे को वहां ले चल। मैं बोला, पंडित जी के पास क्या करे, वो ये बताना मौसी काम क्या है। और उन्होंने जो पूछना चाह रहा था वो मैंने करेक्ट बता दिया, और शायद तब से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर मेरा। और अब ये लगता है कि मैं आपसे कुछ पूछ के शायद कोई छोटा सा ऑफिस भी ओपन कर लूं। तो बिल्कुल करो, बिल्कुल वो करो, कोर्स बहुत अच्छी बात है। सर, और ये वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंस को इनका अभी पूरी क्लास हुई नहीं है, 2 महीने नहीं हुए इनको अभी पूरे। सर, निराशा ही निराशा, मतलब किसी काम में हाथ डाल रहा था ना आज तक सर। जैसे आप बता रहे, खुद की वीडियो में भी आपने कई बार बताया है कितने पंडित जियों से धक्के खाए हैं। सर, मैंने जन्म पत्री कम से कम 650 से 700 लोगों ने देखी होगी, अरे और बाप रे, हर और सबने मेरे में नेगेटिव पॉइंट ही बताए, लगभग सारे 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 नेगेटिव। और मैं इतना डिमोटिवेट हो चुका था अभी आपकी वीडियो देख के, फिर मैंने, नहीं सर से कर ही लेते हैं, और फिर आपने मोटिवेट किया कि पैसे दे दो आ जाएंगे। और अब भी सर सच बता रहा हूँ, आर्थिक हालत तो बिल्कुल कमजोर है। कई बार तो जैसे कल और दो कोर्सेज के लिए पैसे तो मैडम से ही मांग के रहे, आपको दिए उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफर किए सर। तो यो भी यूं लगता है कि सर हाँ, कोई ना कोई अब तो क्लाइंट भी आएगा और काम करेंगे तो पैसा भी आ जाएगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है ना तो काम अपने आप आता है। सर वाकई में सर, दुकानदार के पास सामान नहीं हो ना, वो दुकान खोल के बैठ जाए तो वो कस्टमर आने से भी डरता है कि कस्टमर आएगा तो वो चीज मांगेगा, मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, हाँ तो वो कस्टमर बिल्कुल, आ भी जाएगा तो वो अनमने ढंग से उसको अटेंड करेगा क्योंकि डरता है। हाँ सर, सर मन में और उसके बहुत बाद डर क्या था होगा, सर। वो कस्टमर चला जाएगा। आपके साथ एनर्जीज खेलती हैं, सारा जो जीवन है ना हमारा ये सिर्फ एनर्जीज का खेल है। आपको सक्सेस की एनर्जी जोड़नी है तो पहले कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करना पड़ेगा। जब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर ये होगा, आ जाओ जो मर्जी आ जाओ कोई बात, फिर सामने से जो आता है ना वो आपके सामने झुक जाता है, आपके ज्ञान के सामने झुक जाता है। अभी सर मैं एक 20 20 साल से, 25 25 साल से मुंबई के एक नाम नहीं लूंगा, बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, 25 साल से वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, ठीक है, 17 साल से वो उस समय ज्योतिष सिखा रहे थे, अब तो ये बात भी 2 साल पुरानी होगी। उनकी वाइफ एक दिन फेसबुक लाइव पे मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने कुछ सवाल पूछा कि मेरे बैक पेन है बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं। और उनके हस्बैंड जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो खुद वास्तु सिखाते। मैंने कहा जी आपके घर में इस दिशा में ये चीज पड़ी होगी, उसको हटा देना, आपकी तबीयत ठीक है। नक्शा उनके पास था, अपने घर में हस्बैंड है उनका, वो तो सब ऑल टाइम रेडी रहता है मामला, अपने घर का नक्शा तो टीचर को तो याद होता ही होता है, इंच बाई इंच याद होता है। उन्होंने मेरा लाइव देखते देखते जैसे ही मेरा आंसर सुना गई उस जगह पे, देखा वो सामान पड़ा था, वहां से सामान हटा दिया। सुबह 11 बजे मेरे को फोन आया कि सर 10 साल से बैक पेन से परेशान हूं, कल रात से ढूंढ रही हूं कि मेरे शरीर में दर्द कहां है। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जो पढ़ाते हो सब बेकार है, इनसे सीखो। और ऐसे ऐसे और बहुत है। फिर बाद में उन्होंने लाइव क्लास भी ज्वाइन करी क्योंकि आता तो था ही, थोड़ी सी ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं, तो जिसको ज्योतिष इतने अच्छे से आती है उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा ना सीखने में, उसके साथ तो 2 4 5 घंटे बैठ के उसको ट्रिक्स टेक्निक्स बता दो वो समझ जाता है, इशारा ही बहुत होता है उसको, पूरी डिटेलिंग तो करनी नहीं पड़ती, कोई भी आ जाओ। अभी कुछ दिन पहले, 5 6 दिन पहले की बात है, सलमान खान का फैमिली एस्ट्रोलॉजर कमल कमल कमल, जी, आप अच्छा बताया था उस दिन क्लास में, हाँ बताया से था नाम सर। भी याद है, हाँ सर, सलमान खान के फादर उसका बर्थडे का केक काटते हैं अपने घर में,
उसका फोन आया। और अच्छा उस दिन पत्री लगी हुई थी ना, उस दिन जब हम क्लास कर रहे थे तो क्लास कर रहे थे, उसी की पत्री लगी हुई थी। तो बोला जी मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक दिन पहले फोन आया। मैंने कहा अच्छा जी। फिर उसने अपने सलमान खान के बारे में बताया, फोटो वोटो भी भेजी। मैं अच्छा ठीक है। कह रहे जी कंसल्ट करना है आपसे। मैंने कहा करो जी। उसने पैसे ट्रांसफर किए। उस दिन क्या था, ट्यूजडे वेडनेसडे था ना, ट्यूजडे वेडनेसडे था पता नहीं, नहीं सैटरडे को कंसल्ट किया था, संडे की आपकी क्लास थी, एक दिन पहले ही किया था वो, दो चार घंटे पहले ही का कुछ था। तो मैंने उनको जो बताया वो बताया, कहने लगे सर आज तक मुझे किसी ने ये बताया नहीं जो आपने बताया। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, और आपने मेरी सच्चाई बता दी। मैं कहा तू कहता रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, तेरे को रिकमेंड तो कोई करता नहीं। कह रहा ये बात बड़ी सही आपने बोली, अरबाज खान मेरा जिगरी यार है, और मैं चाहता हूं कि वो मुझे भेजे, कि कभी अमिताभ बच्चन के पास भेज दे, करण जौहर के पास भेज दे, लेकिन ये लोग मेरा ना कहीं जाके नाम लेते ही, मुझे बहुत तारीफ देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ जो तुमने कहा था बहुत बिल्कुल ठीक निकला, लेकिन ये मेरे को किसी स्टार के पास भेजते नहीं। चाहे तो ये भेज सकते, इंडस्ट्री में बहुत नाम है इन लोगों का, चलती है इन लोगों की, मतलब भेजता कोई नहीं मेरे को। मतलब तुम्हें कभी नहीं भेजेगा कोई, तुम्हारी पत्री में योगी नहीं, क्या करोगे। इस लेवल के लोग कंसल्टेंसी के लिए सीखने के लिए पता नहीं कितने आए और चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जब आपके पास कंटेंट पूरा होता है ना, तो फिर आपको घबराहट नहीं होती, कॉन्फिडेंस आ जाता है। Yes, तो जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस जागना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे काम तो अपने आप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप बोलते हो ना सामने वाले को वो कॉन्फिडेंस कन्वे होता है। मैं घबरा घबरा के बोलूं आप समझ जाओगे सर को कोर्स के अलावा कुछ नहीं आता, और ये भी कहीं से टीपा टापा होगा, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आप फेस नहीं कर पाओगे। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप फेस करना शुरू कर दो। आज देखो आया था कोई आपसे एस्ट्रोलॉजी के लिए, कोई पंडित जी को पूछने, आपने खुद कहा आ जाओ मैं बताता हूं। यही फर्क है कॉन्फिडेंट आदमी का और एक डरे हुए आदमी। और सर वो दो तीन बातें ऐसी बताई गई, वो उनकी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था, उन्होंने कहा हाँ बेटा मेरे साथ ऐसा हुआ है। किसी को भी नहीं पता था। ये इस ज्योतिष की खासियत है जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सर मुझे आपसे एक रेकी भी सीखनी है, उसका और बताओ सर। पहले ये तो सीख ले यार। हाँ जी ठीक है सर। हाँ जी नवनीत जी, सर जैसे अगर हम इसमें एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सर इसमें होता है ऐसे कि 10 में से 8 की प्रेडिक्शन ठीक हुई, अगर 1-2 की नहीं होती वो क्यों होता है ऐसा? देखो और फिर उसमें क्या करें? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। देखो सीधी सीधी सी बात है, जब भी एस्ट्रोलॉजर अपनी थोपने की कोशिश करेगा तो वो गलत होगा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को क्या भविष्यवाणी करनी है उसके लिए भी समझना चाहिए, आप कितना उसमें क्लैरिटी आपको है और आप क्या बोल रहे हो। कई बार होता क्या है, ज्योतिष सिर्फ अगर मैं प्रैक्टिकली अगर बोलूं, अब थोड़ा बहुत आप लोग समझने लग गए, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना तो पत्री देखने में, मैं इन लोगों को बोलता हूं पत्री देखने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। Yes, sir. और प्रैक्टिस वही करा रहा हूं इनकी, प्रिडिक्शन मिले 1 मिनट, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी, 1 मिनट सर, 1 मिनट पत्री को देखो और प्रिडिक्शन शुरू। दूसरे मिनट अगर आपने पत्री देख ली तो आपके प्रिडिक्शन की गलत होने के चांसेस वहीं से बढ़ने लग जाएंगे। और अगर तीसरे मिनट तक पत्री देख ली किसी पंडित ने, अब जो प्रिडिक्शन होगी वो गलत है।